चाहे मंदिर हो या मस्जिद, या गुरुद्वारा या गिरजा, हम करेंगे सबकी बात। जी न्यूज की एक खास पेशकश हमारी आस्था में। दौसा जिले के लालसोट में 2 अक्टूबर गांधी जयंती और ड्राई डे के दिन अवैध रूप से शराब बेची गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन का रवैया भी सुस्त देखा गया। आपको बता दें कि इस मामले में आबकारी विभाग को भी सूचित कर दिया गया है। अब यह देखना होगा कि संबंधित आला अधिकारी इस पर कोई कार्यवाही करते हैं या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। बोल तो सही भाई, वार्ड नंबर 2। आज गांधी जयंती के 2 अक्टूबर उपलक्ष में सभी ठेके बंद है दारू के, और कोतुन रोड वाला ठेका जो सील लगा हुआ है, और नीचे से 2 सेल्समैन राजू टैंकर और एक गुजर बाबा नीचे से दारू बेच रहे हैं। देखो दरवाजा खुला है इनका, ये सेल्समैन कर रहे हैं और दुकान पे ताला लगा हुआ है, सील हो रहा है देखो ये, और इधर से ये खुला हुआ है, इधर से माल सप्लाई हो रहा है। ये देखो मोदी की सरकार में क्या हो रहा है, ये देश हमारा पीछे जाता हुआ इन जैसे चोरों की वजह से, मोदी की वजह से। ये देश के गद्दार हैं दोनों दोनों बैठे हैं जो। 60 रुपया का पाव दे रही है, 50 रुपये का पाव 60 में बेच रहे हैं, ब्लैक मेल से दारू बेच रहे हैं। आज ये कमाई कर रहे हैं ये लोग, चेहरे पे इनके मुस्कुराहट देखो इनके। वीडियो में भी तुम्हारे आ जो ऊ में भी तुम्हारे आ जो ये तो ब्लैक लिस्ट होएगा ठेका, इस चीज का कहके जा रहे हैं। ले लो दारू वाले। देख लो लाइट जल रही है अंदर, तुरंत बनाओ इसका वीडियो। अंदर की लाइट जल रही है, पंखे चल रहे हैं, वीडियो बनाओ इसका पूरा। ले आओ, 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 ले आओ,